कैसे आप सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप देख सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो फिर से सेम हो गया है, और क्योंकि मैं जलंधर जो हूँ वापस आ गई हूँ। और यहाँ आके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं घर गई थी, क्योंकि बस हम आए, एंटर किए और हमें ये लगा कि बस हम दो दिन के लिए कहीं गए थे और घर बहुत मतलब ऐसे वैसे हो गया था, तो उसको सही करने में लग गए। बट जब हम घर गए थे तो 14 डेज पहले तो हम क्वारंटीन रहे थे, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना था, तो 14 डेज हम क्वारंटीन रहे। एंड उसके बाद 16 या 17 डेज हम गए थे अपना कोरोना टेस्ट करवाने। सबसे हंसी की बात तो हमें तब लगी जब हम कोरोना टेस्ट करवा के मतलब उनसे ही पूछने वाले थे कि इसके रिपोर्ट कब मिलेगी, तो वो जो चेक कर रहे थे उनका जो रिप्लाई था मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। उन्होंने मुझसे ये कहा, मतलब मेरे हस्बैंड से ये कहा कि अगर आप पॉजिटिव हुए तो आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद गाड़ी लेके आ जाएंगे आपको लेने, और अगर आप नेगेटिव है तो आप आराम से अपने घर में रहिए। तो हम घर आके, मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, हम घर आके अपने घर वालों का प्रैंक करने लगे कि चलो चलो जल्दी जल्दी बैग पैक करते हैं, क्योंकि पता नहीं 3 दिन के बाद गाड़ी जब हमें रुकने थी कि नहीं गई थी। तो ये टाइम चलता रहा, बट ड्यू टू कोरोना, मतलब कोरोना है तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है, बट इसकी वजह से एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हमें ये मिल गया कि कीरत के जो डैडी थे इनको कभी भी ये नहीं होता था, इतनी लंबी छुट्टी के लिए जाते नहीं थे, और इस बार हम पूरा डेढ़ महीना हम घर रह गए हैं। मतलब ये अभी तक इनकी जॉब में इतना लंबी छुट्टी थी जो इन्होंने नहीं ली थी। अगर ये जाते भी थे तो अगर मुझे छोड़ने भी गए हैं तो 1 वीक रुक गए हैं, एंड जब लेने हैं 1 वीक रुक गए, इससे ज़्यादा तो ही रुकते रहते, बस इस बार कंटिन्यूसली। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि कंटिन्यूसली घर में ही रहते, ना अपने किसी फ्रेंड से मिले, ना ही किसी रिलेटिव से, और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बस जो मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आए थे उनसे गेट टुगेदर हुआ था, या फिर जो जेठानी की मम्मा आई थी उनसे गेट टुगेदर, इसके अलावा और कहीं नहीं गए, क्योंकि जा नहीं सकते थे। और इस टाइम पे जो था हमने सेरेमनी करवाई थी, नेम सेरेमनी दोनों बच्चों की, तो पहले जो थी बड़ा कीरत था तो इसकी करवाई थी, तो इसका जो था अक्षर निकला था जज्जा, तो जे मतलब निकला था, तो इसके जो बड़े पापा थे उन्होंने उनका इसका नाम रखा जयवीर सिंह, और उसका निकला था फा, तो हमने उसका पहले ही सोच के निकला था कि अगर आ निकलता है तो अनहद वीर रखेंगे, और अगर फा निकलता है तो फतेह वीर रखेंगे। तो मतलब अच्छी बात है कि गॉड ने फा निकलवाया, तो हमने उसका नाम फतेह वीर रखा। तो इनकी नेम सेरेमनी काफ़ी अच्छी हुई, और जब इसकी नेम सेरेमनी हुई थी तब मुझे मेरे मम्मी पापा लेने आए थे, तो मैं अपने मतलब मायके चली गई थी, और जब ये मुझे लेने आए तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया था, वो था नेकलेस, मतलब लाइक नेकलेस नहीं, पेंडेंट सेरेमनी, मुझे लेके नहीं दिया था एग्जैक्टली, आपको सच बताती हूँ वो हुआ ये था। लास्ट ईयर उन्होंने मुझे एक लेके दिया था हार्ट शेप का, तो उसकी हल्की सी हॉलमार्क वाला लिया था। और ये चीज़ मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि अगर आप गोल्ड लेना चाहते हैं, अभी कल ही मैंने देखा है तो मैंने देख के मैंने कहा हो है, मेरे मुँह से यही निकला कि अच्छा हुआ मैंने ले लिया, क्योंकि अब मैंने देखा कि अगर आप ओल्ड जो भी आपकी ज्वेलरी अगर आप उसको चेंज करवा रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपको उस पर एग्जैक्टली पता नहीं 3% या 5% कुछ एग्जैक्टली यही ध्यान नहीं है, बट कुछ ऐसे ही लिखा था GST देनी पड़ेगी। बट अगर आप हॉलमार्क वाला लेते हैं ज्वेलरी तो काफ़ी अच्छी होती है कि अगर आपको कभी भी इन केस कभी भी अगर आपका समय बुरा आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको उसको पूरा मनी बैक मिलेगा। तो मैंने भी लास्ट टाइम मैंने लिया था तो फिर वो उसकी पॉलिश जा रही थी, तो हॉलमार्क वाला ही इन्होंने मुझे लेके गया था, तो इस बार ये बोले नहीं चेंज करवा देता हूँ, तो उन्होंने चेंज करवाया, उसमें हाँ कुछ अमाउंट पड़ा, बट ये जो था इस बार मैंने फिश डिज़ाइन का लिया हुआ है, फिश काफ़ी अच्छी लगती है ना, तो उन्होंने लेके दिया। फिर हम घर आए, 20 डेज घर में पता नहीं लगे कि कैसे गुजरे मम्मी पापा के साथ, सारा दिन ये खेलता रहता था सबके साथ में, बोलता रहता था, कभी नानू आवाज़ दे रहे, कभी मामू आवाज़ दे रहे, कभी नानी माँ, कुछ ना कुछ सब बुलाते ही रहते थे। और फिर मेरी सिस्टर भी आई थी, उनकी जो बेटी है मक्कू, वो इतनी मतलब उसने इतनी केयर की कीरत की, जैसे ही मैं आवाज़ लगाती थी मक्कू हाँ मसी कहाँ पेट लगाना, तो बस वो हमेशा तैयार रहती थी, और इतना ज़्यादा इसको, और मैंने इसको जो इसका सच 6 मंथ बर्थडे था वो भी मैंने अपनी मायके में ही मनाया था, 5th मंथ था वो इन लॉस के यहाँ मनाया था, जो 6 मंथ वाला था वो मैंने सोचा चलो एक जो बर्थडे है 1 मंथ का वो घर में भी हो जाएगा।
हम रह के आए, टाइम हमारा बहुत अच्छा गया, बहुत ज़्यादा फंक्शन करने थे हमें, क्योंकि हमारे घर में दो दो खुशियाँ आई थी तो हम सोच रहे थे फंक्शन करें, बट कोरोना के चक्कर में मतलब रिलेटिव्स ने भी मना किया कि मतलब अभी नहीं ठीक है, आप बाद में कीजिएगा। तो हमारे यहाँ लोहड़ी एक मतलब अच्छा मतलब वो माना जाता है कि हम उसे ही ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, तो मे बी अगर लोहड़ी के टाइम तक सब कुछ ठीक रहता है कोरोना का तो हम बच्चों की लोहड़ी करेंगे, तो जनवरी का फिर जाना होगा ये, तो फिर से हम घर जाएंगे। और इस बार तो मैं ब्लॉग वगैरह शेयर नहीं कर पाई, बट लोहड़ी का ब्लॉग मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लोहड़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। एक लोहड़ी हुई थी हमारी शादी की, लाइक हमारी शादी के बाद की होती है, और अब होगी बच्चों की लोहड़ी। तो वहाँ का जो टाइम था बहुत ज़्यादा ब्लॉग इस वजह से भी नहीं बना पाई, कोशिश करती थी बनाऊँ बट जैसे ही बनाना शुरू करती थी कभी ये रोने लगता था, अगर इसको सुलाती थी छोटा वाला रोने लगता था, तो इस चीज़ में काफ़ी पॉश पॉश मेरा हो गया था। तो इस चीज़ में तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो आप लोग के लिए बनाती हूँ कि हमने कैसे अपना इंजॉय किया ये हॉलीडे। उसके बाद जब हम घर आए जलंधर वापस, तो हमने थोड़ा सा तो हमें लगा कि हाँ ठीक हो रहा है, बट यहाँ आने के बाद इन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया और इन्होंने अपने जो सर थे उनको बताया कि मैं आ गया हूँ, तो उन्होंने बोला कि 14 डेज़ आपको यहाँ पे भी क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो जब हम आए तो मैं जब गई थी, मेरी हालत ये है कि यहाँ मतलब जब मैं 15 दिन के लिए भी जाती तब भी मैं कोशिश करती थी सामान जो फिनिश करके जाऊँ क्योंकि सामान ख़राब ना हो जाए, और जब हमें लंबे समय के लिए जाना था तो आटा वगैरह मैं फिनिश करके गई थी, राइस फिनिश करके गई थी। तो जब हम आए तो हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बोलते ना कि जब आप दूर रहते हैं तो एक पड़ोसी ही होते हैं जो बिल्कुल अपने होते हैं। तो हमारे नीचे एक आंटी रहती है जो कि काफ़ी मतलब जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है उनकी। और जब हम आए जैसे ही उन्हें पता था, हमें आके शायद 5 to 7 मिनट्स ही हुए थे, उनकी कॉल आई, बोली कोमल आप आ गए, मैंने कहा, उन्होंने मुझे डांटा, बोले आपने बताया क्यों नहीं आप आ गए हैं, मतलब हम कुछ बना के अच्छा सा रखते ये वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, हमारे पास खाना है या मैं कुछ बना लूँगी, बोले क्यों बना लूँगी, बोली मैं लेके आती हूँ। तो थोड़ी ही देर में वो हमारे लिए खाना लेके आई, उन्होंने हमें खाना ऑफर किया, मतलब ये चीज़ मुझे दिल से काफ़ी अच्छी लगी कि इस टाइम पर लोग डर रहे एक दूसरे से बात करने के लिए, या जब उन्हें पता था कि हम कहीं से आए हैं, बट उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलते नहीं अपनापन बहुत ज़्यादा मुझे उनसे लगा कि उन्होंने वो आई, उन्होंने हमें खाना दिया और उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे बोला कि सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाना, ब्रेकफास्ट भी मैं दूंगी। मैंने उनको बहुत बोला, इंसिस्ट किया नहीं आंटी हम बना लेंगे, बट बोली नहीं ब्रेकफास्ट देना है और अगर ब्रेकफास्ट नहीं लिया तो मुझसे बोलना मत। तो मतलब ये चीज़ मैं मतलब मेरे मन में भी आई और मैं आपसे भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके भी आसपास कोई ऐसा रहता है ये मतलब कहीं से आया है, ज़रूरी नहीं आप उसको टच करें या बोलें, बट अगर आप प्यार से दो शब्द बोल देते हैं या किसी की थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं तो उसको भी अपनापन लगेगा, क्योंकि इतने टाइम के बाद आए थे और घर में लिटरली बोलो चीज़ें थी बट इतनी नहीं थी कि हम मतलब रात में डिनर कर पाते ऐसा कुछ है। तो उन्होंने काफ़ी है मतलब मुझे बहुत दिल से बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ देख के, मतलब ये लगा कि हाँ यहाँ पे भी अपने हैं, मतलब ये नहीं है कि हम बाहर आए हैं तो हमारे अपने नहीं हैं। तो अगर आप भी कहीं हो हेल्प करिए, इंसानियत अपने अंदर रखिए, इंसानियत आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या है, ग्रोसरी वगैरह हमारी फिनिश हो चुकी थी, दूध की प्रॉब्लम हो रही थी और सब्ज़ी नहीं मिल रही थी, तो और सबसे बड़ी बात क्योंकि मेरी सिजेरियन हुई है तो मैं वाइप पोछा नहीं लगा सकती तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन्होंने मैंने इनको बोला, इनसे पहले घर पे ही किया था तो मैंने इनको बोला, उन्होंने ट्रेन में ही जो मॉप आता है वो ऑर्डर कर दिया था, और इतनी अच्छी बात है कि जब हम पहुँचे तो हमसे पहले ही हमारा मॉप पहुँच चुका था, तो आंटी ने जो थी उसकी डिलीवरी ले ली हुई थी। तो फिर हमने मॉप क्योंकि सफाई करनी थी और मुझसे तो बिल्कुल बैठ के मैं पोछा लगानी थी, डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ था, तो मैंने फिर आ गया तो मैंने मौके। और इन्होंने कुछ ग्रॉसरी भी ऑर्डर की है, लाइक कुछ रिफाइंड, कुछ ऑयल, आटा, बेसन, राइस, बस बहुत सारा कुछ इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, तो मे बी उसकी डिलीवरी आज या कल में बोल रहे थे होने वाली है। मिल्क के लिए हम बोल देते हैं, एक अंकल आते हैं गली में उनको बोल देते हैं मिल्क के लिए हो गया, या फिर सब्ज़ी हो गई, हमारी गली में सब्ज़ी आती है, क्योंकि बोलते ना गवर्नमेंट के कुछ रूल फॉलो करने चाहिए। अब अगर हम उन्होंने बोला है कि क्वारंटीन रहें तो क्वारंटीन रहना चाहिए, अगर हम क्वारंटीन रह के भी इधर उधर घूमें या कुछ बेफालतू में, वैसे भी तो हमें घूमना नहीं चाहिए बेफालतू में जाएँ तो वो ठीक नहीं है, हम ना ही हमारे लिए और ना ही किसी और के लिए। तो ये जो टाइम था मेरा बहुत अच्छा गया, यहाँ आके आपको एक बात बोलूँ तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं से आए हुए हैं, मतलब ये लग रहा है कि हम कहीं गए, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कहीं गए हुए थे, बस ये लग रहा है कि 2 दिन के लिए कहीं गए थे और आए हैं, सफाइयों में लग गए हैं। सामान मेरा सेट हो चुका है ऑलमोस्ट, किचन मैंने सेट कर ली थी, अपना जो क्लोथ्स वगैरह थे वो सेट कर लिए थे, अलमीरा वगैरह सब सेट हो गए,
तो अब फिर से लग रहा है, फिर से इंतजार कर रही हूँ कब घर जाएंगे, कब क्या होगा। तो बस मैंने सोचा क्यों ना इस थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ कि हमारा टाइम कैसे गुजरा, क्योंकि बोलते हैं ना कि खुशियाँ जो है वो हमेशा अपनों के साथ ही शेयर की जाती है। तो दैट्स ऑल गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले गाइज। आप लोग वीडियो देखते हैं, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बट प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करिए। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती तो वो चीज़ कमेंट करके भी बता दिया कीजिए कि हाँ ये चीज़ कोमल, ये चीज़ नहीं अच्छी थी, अपनी इस चीज़ को चेंज करो। बहुत से लोगों की मुझे ये कमेंट आते हैं कि आपका ये चीज़ बोलने का वे नहीं अच्छा था, तो उस चीज़ पर मैं वर्क करती हूँ। बट अगर आप वीडियो देख लेते हैं या वीडियो पर लाइक या कमेंट ड्रॉप नहीं करते हैं तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक तो नहीं बट कमेंट ज़रूर ड्रॉप किया कीजिए कि ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं लगी, इस चीज़ को आप चेंज कीजिए तो मैं ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अभी जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।